नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। भारत में सबसे बड़ी चाइना प्रदर्शनी का आयोजन बॉम्बे कन्वर्सेशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 17 से 19 दिसंबर 2018 के बीच 3 दिवसीय सबसे बड़ी चाइना सोर्सिंग B2B प्रदर्शनी चाइना होम लाइफ मशीनेक्स इंडिया 2018 का यह देखो भव्य स्तर पर उद्घाटन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में चाइना के लगभग 2000 से अधिक सर्वश्रेष्ठ सप्लायर भारत में कारोबार करने की इच्छा से इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। वह सस्ते कीमत पर भारतीय बाजारों में सर्वोत्तम सामान उपलब्ध कराने की वचनबद्धता दे रहे हैं। आइए सुनते हैं इस प्रदर्शनी में चाइना और भारत की तरफ से उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने मीडिया से बातचीत के दौरान और क्या कुछ जानकारी दी। Exhibitions are just about home appliance. Now we have machinery. It shows the manufacturing is a good tendency for our two countries to work together. We are now in the right time. I'm happy to share with everybody that we are seeing growing Chinese-Indian business and more importantly cultural exchanges, which will lay a solid ground foundation for long-term cultural, economic and social cooperation between China and India. तो मैं CII की तरफ से बोल रहा हूँ। हम लोग मध्यम और छोटे बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हूँ मैं, और ये CII यहाँ नेशनल पार्टनर है चाइना होम लाइफ और मशीनरी एग्जीबिशन का। और ये हमारे चाइना के कौंसल जनरल अभी बोल रहे थे, CII चाहता है कि ऐसे हमारे ट्रेड बढ़े। हालांकि अभी हमारा ट्रेड चाइना के हित में है, $80 बिलियन से में हम सिर्फ $13 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि चाइनीज कंपनीज इधर आए और निवेशन भी करें, क्योंकि वो उच्च दर्जे की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन और मैन पावर ला रहे हैं। आज जो B2B का एग्जीबिशन लगा हुआ है, कितना फायदा होगा, क्या लगता है आपको? 600 कंपनीज आई हैं, चाइनीज कंपनीज इधर सिर्फ बेचना ही नहीं चाहती हैं अपने प्रोडक्ट्स। अभी वो अंदर बात कर रहे थे कि वो मशीनरी भी बेचना चाहती हैं, क्योंकि ये मेक इन इंडिया में हम लोग को अभी ये सब प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाने हैं 3-4 साल में 5 साल में। तो हम ये प्रोडक्ट्स जो इधर दिख रहे हैं आपको एग्जीबिशन में, ये सब इंडिया में बनने चाहिए थोड़े दिन में। तो ये मशीनरी भी हमको खरीदनी होगी और फिर हमको इधर इंडिया में बनाना होगा। तो ये टेक्नोलॉजी हमको चाहिए, चीपर और किफायती प्रोडक्ट।